हेलो फ्रेंड्स, मैं नाम है अजय और फ्रेंड्स आज मैं आपको सिखाऊंगा आईफोन की सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम के बारे में। देखिए मेरे पास अभी आईफोन 6 है, तो फ्रेंड इसमें ये फ़ोन एप्पल लोगो पे अटका हुआ है। मैंने सब कुछ करके देख लिया है फिर भी ये ठीक नहीं हुआ, तो ये इसका अब ये सॉफ्टवेयर ही करना पड़ेगा। सबसे पहले इसके लिए आपको एक लैपटॉप कंप्यूटर चाहिए होगा, ठीक है, जिसमें iTunes इंस्टॉल हो। iTunes सॉफ्टवेयर आता है वहाँ पर, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा कंप्यूटर लैपटॉप में। उसके बाद आपको अपने जो आईफोन है आपका सॉफ्टवेयर की दिक्कत हो उसको सॉफ्टवेयर करने के लिए आपको iTunes कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको होम बटन और चार्जिंग को एक साथ लगाना है, ठीक है। तो आप लोग एक मिनट गलती हो गई, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें आपको होम बटन और चार्जिंग, पहले आप होम बटन को दबा के रखिए, उसके बाद चार्जर कनेक्ट करिए, ठीक है, लैपटॉप से। देखिए मैंने होम बटन दबा के रखा हुआ है, इसके बाद आपको केबल लगानी है, ठीक है। आप होम बटन छोड़ना मत जब तक iTunes का लोगो ना आ जाए, ठीक है। अभी एप्पल लोगो है, iTunes का लोगो जब तक आना आ जाए तो छोड़ना मत इसको, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड इसमें iTunes का लोगो आ गया, तो आप बटन छोड़ दिया। इसके बाद देखिए मैं इसको कनेक्ट कर दिया है, तो इसके बाद आपको दिखाता हूँ डिस्प्ले पे। यहाँ पे रिस्टोर अपडेट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे रिस्टोर एंड अपडेट का ऑप्शन आया, आप चाहे तो अपडेट कर दीजिए या फिर आप रिस्टोर कर दीजिए, ठीक है। मैं इसको रिस्टोर करूँगा फ़ोन को, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ अपडेट पे। अपडेट पे मैंने क्लिक कर दिया, इसके बाद आपको एक और ऑप्शन मिलेगा रिस्टोर एंड अपडेट, ठीक है। तो आप रिस्टोर अपडेट पे क्लिक कर दीजिए, तो मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्लिक कर दूँगा रिस्टोर एंड अपडेट पे, दोबारा करता हूँ, तो मैं क्लिक कर दिया। इसके बाद देखिए ऊपर से हमारी डाउनलोडिंग चालू हो गई, देखिए ऊपर से हमारी डाउनलोडिंग चालू हो गई है, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं फ्रेंड इसमें मैं आपको थोड़ी फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ वीडियो, क्योंकि फ्रेंड ये वीडियो लंबी बन गई थी मेरे से, क्योंकि इस दिक्कत आ रही थी सॉफ्टवेयर करने में, तो लंबी बन गई थी और इसमें टाइम भी बहुत लग गया था, इसलिए मैंने इसमें फॉरवर्ड कर दी वीडियो। लेकिन आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इस दूसरा स्टेप आपका वेरीफाइड आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, तो फ्रेंड तो ये अपडेट होने लगा है, तो देखिए यहाँ से भी डाउनलोड चालू हो चुकी है। तो मैंने फ्रेंड इसलिए इसको फॉरवर्ड किया है कि बहुत टाइम लग गया था उसको बनाने में, बीच बीच में रुकावटें आई थी, मेरे को काम आ गया था, इसलिए मैं रोक दी थी वीडियो। तो फिलहाल मैंने जो मेन स्टेप है वो मैंने बता दी है, लेकिन वेरीफाइंग आईफोन स्टोर रिस्टोर हो रहा है, तो ये दिखा हुआ आएगा, समझ लें आपका फ़ोन पूरा प्रॉपर ओके हो रहा है, ठीक है। तो ये होने दीजिए फ्रेंड। अगर आपके पास कोई फ़ोन है जिसमें एप्पल लोगो पे अटका हो फोन, या बार बार ऑन ऑफ हो रहा हो, रिस्टार्ट हो रहा हो, तो इसका एक ही मतलब है कि आपको जो आपको सॉफ्टवेयर करने जब पड़े तो आपको इस ये से करना पड़ेगा कि आपके पहले लैपटॉप में iTunes का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, उसके बाद आपके पास जो USB केबल वगैरह होनी चाहिए, फिर उसके बाद कनेक्ट करके होम बटन दबा कर रखना है, उस पर जाके फ़ोन ऑन होगा, iTunes लोगो आएगा, उसके बाद आपको छोड़ देना है। बस आपको कुछ नहीं करना, जब जब ये रिस्टोरिंग जो ऊपर आ रही है हमारे, ये चालू हो जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस छोड़ कर रख दीजिए, अपने आप ही ये सब कुछ स्टेप सेटअप हो जाएगा। आपको कोई भी क्लिक नहीं करना, जैसे मैंने पहले दिखाया था आपको रिस्टोर अपडेट में मांगता है ना विंडो खोल के छोटी सी, बस उस पर रिस्टोर अपडेट कर दीजिए, उसके बाद कुछ भी नहीं करना, आपको बस फ़ोन छोड़ दीजिए, फिर अपने आप ही ये सब कुछ कर देगा और ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसमें हर वीडियो फॉरवर्ड कर दी है, लेकिन इसमें टाइम बहुत था इसलिए, तो मैंने आपको जो जो सेटअप थे वो मैंने दिखा दिए हैं, तो ठीक है। तो फ्रेंड इस तरह से मतलब कोई भी आईफोन हो एप्पल लोगो अटकाओ, तो मैं आपको बता दूं एप्पल लोगो अटकना मतलब कोई बैटरी का भी दिक्कत होता है और सॉफ्टवेयर की दिक्कत होती है। मैंने फ्रेंड बैटरी भी चेक कर ली, नई लगा ली है, नया लाके भी लगा लिया, ओरिजिनल भी लगा ली, मैंने बोर्ड वोर्ड सब कुछ क्लीन कर लिया, बाहर से कर लिया, सब कुछ कर लिया मैंने, लेकिन नहीं हुआ। तो इसके बाद मैंने ये सॉफ्टवेयर ही हुआ, तो सॉफ्टवेयर के बाद देखिए ये अब ये आगे बढ़ चुका है, ठीक है। तो फाइनली फ्रेंड आप डायरेक्ट सॉफ्टवेयर मत करना, क्योंकि फ्रेंड इसमें कस्टमर का पर्सनल डेटा होता है, कि कोई डेटा बचाना होता है, अगर सब कुछ ना हो उसके बाद ही आप फॉर्मेट करना फ़ोन को। और एक बात और बता दूँ आपको फ्रेंड, अगर आप कभी भी किसी कस्टमर का फ़ोन रिस्टोर करते हो तो उसको पहले बता देना कि आपका डेटा उड़ जाएगा और आपको एप्पल आईडी पासवर्ड याद है कि नहीं। अगर उसको एप्पल आईडी पासवर्ड याद है तभी वो रिस्टोर करिए, वरना अपनी मर्ज़ी से कभी मत करना, ठीक है फ्रेंड, सब बता के करना। तो देखिए रिस्टोर हो चुका है, तो यहाँ से देखिए अपने आप ही चला गया, अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो मेरे म्यूजिक आ गए हैं, देखिए यहाँ पे एप्पल लोगो आ गया है, अब हम उसका वेट करेंगे थोड़ी देर और। तो कभी फ्रेंड रिस्टोर करो तो एप्पल आईडी जरूर पूछ लेना कस्टमर से कि उसकी एप्पल आईडी है या नहीं, उसके बाद ही मतलब आप फ़ोन को फॉर्मेट करना, ठीक है। पहले आप नॉर्मल जो चेकअप होते हैं हमारे फ़ोन के वो सब चेक करके उसके बाद ही आप फोन को रिस्टोर करना, सॉफ्टवेयर करना। ये फ्रेंड दिक्कत लोगों की इस तरह इस वजह से आती है कि कस्टमर इनको अपडेट नहीं करता है फ़ोन को काफ़ी दिनों तक, तो फ़ोन गिर भी जाते हैं, उसकी वजह से भी होता है।
ज़्यादातर फ्रेंड जिसमें उनमें प्रॉब्लम आई है ये अपडेट ना करने की वजह से आई है, इसलिए अब फ़ोन को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड फ़ोन को अपडेट करते रहिए, ठीक है। तो वो दिख रहा होगा फ्रेंड इस तरह से देखिए ये फ़ोन अब अपडेट हो चुका है, तो अब ये यहाँ से पूरा होने वाला है। तो अब देखिए आगे इसका सेटअप देखते रहिए। तो फ्रेंड मैंने सॉफ्टवेयर का ये पहला मेरे पास फ़ोन आया जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज मेरे पास सॉफ्टवेयर का फ़ोन आया है तो इसलिए मैंने आपको बना के दिखाया, लेकिन ये वीडियो लंबा हो गया था तो मैंने आपको थोड़ा उसमें काट के बताया। लेकिन देखिए यहाँ पे अब हो चुका है, यहाँ पे डे न्यू सिम मांग रहा है, तो मतलब ये सिम कार्ड से ही आगे सेटअप करेगा, तो मैं सिम इंस्टॉल करूँगा तब जाके ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो मतलब फ्रेंड ये अब कम्प्लीट हो चुका है, तो थोड़ा इसका वेट कर लेंगे हम लोग जब तक इसमें हेलो का लिखा हुआ सिस्टम ना आ जाए, हेलो का ऑप्शन जब तक इसमें कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, तो उसका वेट करेंगे हम लोग। तो आई होप फ्रेंड आप समझ गए होंगे कि जब भी एप्पल लोगों पे फ़ोन अटकता है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये फ़ोन बंद हुआ, अब यहाँ से ये मेरे ख्याल से अब ये हो चुका है, तो कुछ चेक कर लूँगा एक बार, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी कि इसको कैसे आपको फ़ोन को अपडेट करना है, ठीक है। देखिए हेलो का लिखा हुआ ऑप्शन आ गया है, तो आपको पावर होम बटन दबाना है इसके आगे, तो देखिए नो सिम कार्ड इशू बता रहा है, इंग्लिश पे क्लिक करेंगे, इंडिया पे कंट्री हमारी है, कंट्री चूज़ कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो इंडिया पे करेंगे तो आपको सिम कार्ड भी इसमें डाल लेना है, जो हमारा सिम कार्ड है फिर वो भी डालना। देखिए सिम कार्ड यहाँ पड़ा हुआ है इस फ़ोन का, इसमें भी डाल लेता हूँ, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप करूँगा। फ्रेंड मैंने इसकी नेक्स्ट स्टेप जो होती है आईफोन को ओपन करने की मैंने वीडियो बना रखी है, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हो, जैसे कि हेलो पैड का होता है फ़ोन उसका आगे ऐसे पड़ा है, तो मैंने उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, ऊपर आई बटन में भी है, अब वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हो और सीख सकते हो उसको कैसे आगे स्टेप करें, ठीक है। तो देखिए सेटिंग तो लैंग्वेज हो रही है, तो इस फ्रेंड तो दो तीन स्टेप अभी होंगे, इसके बाद ये फ़ोन एक्टिवेशन लॉक पर अटक जाएगा, जब तक इसमें एप्पल आईडी पासवर्ड नहीं डलेगी तब तक ये फ़ोन ओपन नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। देखिए ये इसका पहला दूसरा स्टेप आ गया, अगला यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए तो ये वाईफाई मांगेगा, तो ये लास्ट स्टेप है, हम इसमें वाईफाई पासवर्ड अपना डाल देते हैं, ठीक है। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी हो सेटअप करने की कि आईफोन कैसे सेटअप करें, पूरा डेस्कटॉप कैसे लाएँ, उसकी वीडियो मैंने आई बटन में दे रखी है या डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ जाके आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ, यहाँ से अभी कनेक्ट हो रहा है, तो देखिए ठीक है। तो यहाँ से इसको ओके कर देते हैं, ओके हो गया, यहाँ नेक्स्ट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से ये वेरीफाइड हो रहा है, ठीक है। एक्टिवेट करेंगे सिम कार्ड, इसको मिला कि नहीं मिला, लेकिन सिम कार्ड मिल गया, ऊपर नेटवर्क भी आ गया है। तो देखिए यहाँ पर अभी देखिए फ्रेंड ये आ गया ना एक्टिवेशन लॉक, तो देखिए यहाँ पर एक्टिवेशन लॉक आ गया है, तो अब ये फ्रेंड यहीं पर अटक गया। अब कस्टमर को इसका आईडी पासवर्ड पता है, वो आके में डालेगा तब जाके हमारा फ़ोन आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड अगर आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसलिए एक्टिवेशन लॉक में बिना पासवर्ड के आगे नहीं खुलेगा, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आई बटन को जरूर दबाइए, ठीक है, जिससे कि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें, जिसको आपको उसका वेट ना करना पड़े, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू।